एवरीवन, वेलकम बैक टू सीरीज टॉक्स। तो भाई लोग, आज एक और फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है अजमेर 92। इस फिल्म को देखकर आया हूँ अभी अभी, सोचा आपके साथ एक क्विक रिव्यू शेयर कर दूं। जी हाँ बिल्कुल, एक सच्ची घटना के ऊपर बेस्ड फिल्म है ये। और दोस्तों, अजमेर के सबसे बड़े कांड के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। जी हाँ, अजमेर 1992 में सेक्स स्कैंडल के बहुत बड़े केस में इस फिल्म को बनाया गया है। और दोस्तों, कश्मीर फाइल्स और 72 हुड़े जैसी फिल्मों से इंस्पायर्ड है ये फिल्म। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये फिल्म काफी ज्यादा इंटेंस है और आपको काफी ज्यादा इसमें इमोशनल चीजें नजर आएगी। साथ ही साथ इसमें आपको काफी ज्यादा क्राइम भी दिखने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। कोशिश करूंगा बिना स्पॉयलर्स के साथ इस फिल्म की स्टोरी और साथ ही साथ इस फिल्म की रिव्यू आपको शेयर कर दूं। की स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है सोफिया सेकेंडरी स्कूल, जो कि अजमेर पे बेस्ड है। वहां की एक लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है एक लड़के द्वारा। वो लड़का एक कांग्रेसमैन यानी कि कांग्रेस का नेता रहता है, यानी कि काफी पावरफुल लीडर रहता है। उस लड़की को ब्लैकमेल करने के बाद ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ वो ग्रुप बन जाता है और दोस्तों, सारी लड़कियों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से कुछ फिल्म की स्टोरी रहती है, काफी इंटेंस रहने वाली है, काफी दिल दहला देगी। और साथ ही साथ आपको ये फिल्म को देखकर पता चलेगा कि रियलिटी में अजमेर में उस टाइम क्या हुआ था जिसके ऊपर आज तक बहुत ज्यादा चर्चा है। ये तो हो गई अब स्टोरी की बात, अब बात करें इस फिल्म के बारे में। तो फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी है। जी हाँ दोस्तों, सच्ची घटना के ऊपर इंस्पायर्ड ये फिल्म है और मुझे काफी अच्छी लगी है। डायरेक्शन काफी अच्छी है, कास्टिंग भी बहुत अमेजिंग है और दोस्तों, स्क्रिप्टिंग और डायलॉग्स भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिल्म को फैमिली के साथ जाकर आप डेफिनेटली देख सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं। बट दोस्तों, मैं इस फिल्म को देखने गया था फैमिली के बिना, तो दोस्तों आपको भी यही रिकमेंड करूंगा, अपने दोस्तों के साथ जाइए, इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। काफी मजेदार फिल्म है और ऐसी फिल्म जरूर देखनी चाहिए ताकि लोग इंस्पायर्ड हो, क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा होती रहती है। तो दोस्तों, इस फिल्म को मैं रेट कर रहा हूँ 4.5 में से। मुझे पर्सनली ये फिल्म काफी अच्छी लगी है। ये फिल्म शायद चर्चा में भी काफी रहेगी न्यूज पर अभी, कि फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी है ये वो, बट उन सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फिल्म काफी पसंद आई है। आप जरूर जाकर इस फिल्म को देखकर आइए। तब तक के लिए मेरे चैनल पर जरूर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ जल्दी अपने अगले वीडियो में।